अच्छा फर्स्ट जनरेशन, इसके बाद है हमारे पास सेकंड जनरेशन। ठीक है, सेकंड जनरेशन, अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई है। वो क्या है, सेकंड जनरेशन में ऐसा है कि ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स एंड यूजर इन द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब जो यहाँ पे जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं वो हटा दी गई, उनकी जगह क्या लगा दिए गए, ये ट्रांजिस्टर। ये देखें इस तरह के होते हैं ट्रांजिस्टर, नजर आ रहे हैं, या आपने पुरानी टीवियों में और रेडियोज वगैरह में देखे होंगे। ठीक है, जो पुराने होते थे बड़े बड़े मीन्स के टीवी आपने देखे होंगे, उनमें इस तरह के ट्रांजिस्टर आज भी मौजूद होते हैं। ठीक है, पुराने सर्किट में, अब देखें वन ट्रांजिस्टर रिप्लेस द इक्विवेलेंट 40 वैक्यूम ट्यूब्स। अब ये एक ट्रांजिस्टर जो है वो क्या करता था, 40 वैक्यूम ट्यूब को कवर करता, मतलब 40 वैक्यूम ट्यूब जहाँ लगती थी वहाँ एक ट्रांजिस्टर लगता था। ठीक है, मैं देखें अब ये चीजें जो है अब किधर आ रही हैं, अब कहने के ये इस्तेमाल होती जा रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी चीज अगर तरक्की करती है, किसी भी चीज में अगर डेवलपमेंट देखनी है, तो एक तो ये देखें कि वो पहले से संभाल है साइज में, दूसरा एनर्जी कम ले रही है, और तीसरा या काम जो है उसे फास्टली करें। अच्छा, अलाउइंग कंप्यूटर टू बिकम स्मॉलर फास्टर, स्मॉल भी हो गया, ठीक है, फास्टर भी हो गया, चीपर सस्ता भी हो गया, मोर एनर्जी एफिशिएंट भी हो गया, एंड मोर रिलायबल, एनर्जी भी उससे कम लेता था। अच्छा, पर इसमें मसला क्या था, स्टिल जनरेटेड अ ग्रेट डील ऑफ हीट कैन डैमेज द कंप्यूटर। अब हीट जो है वही प्रोड्यूस कर रहा था, मतलब ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा था जो कंप्यूटर को डैमेज कर सकती है। अच्छा, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर मूव फ्रॉम क्रिप्टिक बाइनरी मशीन लैंग्वेज टू सिंबॉलिक असेंबली लैंग्वेज व्हिच अलाउ द प्रोग्राम स्पेसिफाई द इंस्ट्रक्शन इन वर्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल हो जाएगी क्योंकि आपने अभी सेकेंड चैप्टर पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो ये है कि इसमें असेंबली लैंग्वेज यूज होती है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज बस इतना याद रखें, बाकी ये जो बाइनरी मशीन लैंग्वेज सिंबॉलिक ये सब चीज़ें इसको छोड़ दें, बस इतना याद रखें कि इसमें असेंबली लैंग्वेज यूज होती है। ठीक है, आगे चल के ये जो है आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज। अच्छा, अलाउड प्रोग्राम स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब दूसरा है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर स्टिल रिलाइड ऑन पंच कार्ड फॉर इनपुट एंड प्रिंट आउट आउटपुट। ठीक है, ये भी अभी तक जो है अपना क्या कहते हैं कि इसमें जो है इनपुट जो होता था वो किसके थ्रू होता था, अपना पंच कार्ड के थ्रू होता था, पंच टेप के थ्रू होता था, और प्रिंट आउट जो है वो आउटपुट जो है वो प्रिंट आउट पे देता था। अच्छा, दे वर आल्सो द फर्स्ट फर्स्ट कंप्यूटर दैट स्टोर देयर इंस्ट्रक्शन इन देयर मेमोरी। अब ये पहला कंप्यूटर ऐसा था जो कि इंस्ट्रक्शन जो है वो अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता था, मीन्स के फॉर द फ्यूचर। व्हिच मूव फ्रॉम मैग्नेटिक ड्रम टू मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। अब ये पता है मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी होती कौन सी है, ये मैग्नेटिक टेप को बोलते हैं, मैग्नेटिक टेप स्टोरेज डिवाइस होती है। मैग्नेटिक टेप पता कौन सी होती है, ये जो वीसीआर की कैसेट है और ये जो टेप रिकॉर्डर की कैसेट है जिनमें ये रील सी होती है ब्लैक कलर की ना, थोड़ी शाइनी कलर की, शाइनी टाइप की, इसको कहते हैं मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। यहाँ मैग्नेटिक, इसका इससे मतलब है मैग्नेटिक टेप। ठीक है, ये वो मैग्नेटिक ड्रम जो है अब किसमें, टेप, इसमें मैग्नेटिक टेप में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम की जगह अब मैग्नेटिक टेप आ गई सेकंड जनरेशन में। ये चीजें, दो चीजें हो गई, एक तो ट्रांजिस्टर चेंज हुए, दूसरा बिजली कम खाने लगा है, सस्ता हो गया, फास्टर हो गया, रिलायबल हो गया, और मैग्नेटिक ड्रम की जगह जो है वो मैग्नेटिक टेप आ गई है, और तीसरा असेंबली लैंग्वेज यूज होती है इसमें। ठीक है, बस यही था सेकंड जनरेशन। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रांजिस्टर होते किस तरह के। ये रहे आपके ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये देखिए इस तरह के, ये आज भी आपको अगर पुराने जो होंगे ना सर्किट होंगे उनमें मिलेंगे, पुरानी टीवियों के अंदर। ठीक है, ये देखिए, अब ये देखें ना, मैंने आपको बताया था कि पहले कंप्यूटर ऐसे दीवार में फिक्स होते हैं, ये देखिए किस तरह से फिक्स। अब आप इसको पोर्टेबल नहीं है, ये इसको उठा के कहीं और लगा नहीं सकते, लगाएंगे तो पहले आपको उसका सिस्टम पूरा, मतलब के स्विचेस वगैरह सब कुछ जो है ना साथ कोई ना कोई अटैच करना पड़ेगा। ये देखें, ये तो बहुत छोटे हैं, खैर वो बड़े थे, ये देखें ये तो आजकल के हैं, आजकल के सर्किट्स में भी यूज होते हैं आपके, लेकिन ये कि वो बहुत बड़े
ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन है मुझे जो है आप वॉइस मैसेज भेजिए, ठीक है, मुझे मुझे मेंशन करके वॉइस मैसेज भेजिए, ठीक है। और ये इसको पढ़ के एक दफ़ा नोट डाउन करके मुझे ये आप रिस्पॉन्स दें, इसको दिखाएं, मुझे चेक करवाएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो हमने अपनी स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो रखी है अब, और नेक्स्ट के लिए बाकी कल पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन, सॉरी थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन, ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।